आज आप जो भी प्रॉब्लम सफर कर रहे हो उस प्रॉब्लम से आप 100% निकल सकते हो। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आया कहाँ से? सबसे पहला सवाल जो है वो ये पूछना इम्पोर्टेंट है कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम आया ही क्यों? आज आप जो भी बीमारी से गुजर रहे हो, जो तकलीफों से आप गुजर रहे हो, आपको सबसे पहले ये सवाल पूछना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है कि मुझे ही क्यों? हम लोग जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने अगर कुछ टेस्ट करवाने को कह दिया और टेस्ट करने के बाद में अगर कोई बीमारी निकलती है तो हम लोग पूछते हैं कि इसका इलाज क्या है। हम लोग ये नहीं पूछते हैं कि मुझे ही क्यों। अगर आपके जीवन में पैसों की कमी है, अगर आपके लाइफ से अगर आपका लाइफ पार्टनर चला गया है, दूर चला गया है, तो आप ये नहीं पूछते हैं कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों चुना गया है, मुझे ही ये तकलीफ क्यों हुई है। जिस वक्त आप ये सवाल पूछना शुरू कर दोगे, उसी वक्त से आपको आपके जीवन का सार नजर आएगा। आपके कर्माओं से आप जो बंधे हुए हो, जो भी कर्मा के कारण आप इस मुकाम तक पहुंचे हुए हो, उस कर्मा के बारे में, उससे बाहर निकलने के बारे में आपके मन में ख्याल आना शुरू हो जाएगा। और जिस वक्त आपको ये ख्याल आ जाएगा, आप उसमें से बाहर उभरना शुरू कर दोगे। और जिस वक्त आप बाहर निकलना शुरू कर दोगे, तो सारी बीमारियां, जो भी बीमारी से आप जूझ रहे हो, वो पूरी तरह से खत्म होना शुरू कर देगी। जिस पैसे की कमी से आप गुजर रहे हो, वो पैसे की कमी आपकी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। जो बीमारी से वैसे के लिए आप गुजर रहे हो, वो बीमारी तो चली जाएगी, लेकिन आपको आने वाले जीवन में भी उसका पॉजिटिव जो असर है वो दिखाई देना शुरू कर देगा। सबसे पहले हम लोग अपनी ऊर्जाओं का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा कि सुबह उठने के बाद से लेकर शाम को सोते समय तक मैंने कहाँ कहाँ पर मेरी ऊर्जाओं को मैंने मैंने खर्चा किया हुआ है और किस तरह से किया है, वो पॉजिटिव किया है या नेगेटिव किया है। सोचो, कल के बारे में सोचो। कल सुबह उठने से लेकर रात को सोते समय हम लोग कितनी बार नेगेटिव हुए थे, हम लोग कितनी बार पॉजिटिव हुए थे। और जब आपको इन दोनों के बीच में आपको वो नजर नजर आया कि मैं कितना पॉजिटिव था और मैं कितना नेगेटिव था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं एक दिन में अगर इतनी बार अगर नेगेटिव नेगेटिव सोच रहा हूँ और उससे भी बहुत कम अगर मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में, तो वो हम लोग कैसे हासिल कर पाएंगे? अगर आपके पास में पॉजिटिविटी की कमी है तो हम लोग उसको हासिल नहीं कर पाएंगे, भले फिर आप कितनी भी मेहनत करो। फिर आपको क्या करना है? सबसे पहले तो क्या करो, ये भागम भोड़ी बंद कर दो। ये गधा मजबूरी जो मजदूरी हम लोग कर रहे हैं ना, इधर भागो उधर भागो, वो थोड़ा सा बंद करो। शांत हो जाओ, गहरी सांस लो, शांत हो जाओ, बहुत शांत हो जाओ। और शांत होने के बाद में फिर उसके बाद सोचो कि मैं कहाँ पर नेगेटिव, कितना नेगेटिव हूँ, कितना पॉजिटिव हूँ। और फिर उसको पॉजिटिव करने के लिए, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जब तक सोचोगे नहीं तब तक होगा नहीं। सबसे पहले सोच इंपॉर्टेंट है। दुनिया में आज तक कोई भी चीज आई हुई है तो सबसे पहले सोच आई हुई है। आपके घर में कोई भी चीज आई हुई है तो सबसे पहले उसकी सोच आई, उसके बाद वो चीज आपके घर तक पहुंची है। उसी तरह आपकी प्रॉब्लम्स है, उसी तरह आपकी बीमारियां हैं, सबसे पहले उसकी सोच आई थी। सोच आने के बाद में फिर आपकी रिपोर्ट आए। तो ये जो होता है ना, तो ये आपको समझना होगा। सबसे पहले आपको आपकी नेगेटिविटी से आपको आगे चलना है, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करो और उसके बाद फिर मेहनत करो। देखो फिर आपको वो सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा जो आप जीवन में चाहते हो। मगर करना होगा, आपको करना होगा। सुबह उठने के बाद में अगर आपने बोला कि आज का दिन बहुत बोर है, बहुत तकलीफदार है, मेरा ही काम नहीं बनने वाला है, बहुत मुझे मेरा मूड खराब हो रहा है, तो आपका पूरा दिन मूड ही खराब रहने वाला है। इसके विपरीत अगर आप दिन भर के 8-9 घंटा काम करने के बाद जब आप घर पे एंटर करते हो और आप अगर आपने इतना भी बोल दिया,
अब मैं मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश एंड वेरी पावर हैप्पी, अगर आपने इतना भी बोल दिया तो 8-9 घंटे का जितना भी काम करके आपको जो भी थकान महसूस हुई होगी, आपका ये सिर्फ बोलने के बाद में तुरंत आपको पॉजिटिव फील होना शुरू हो जाता है, तुरंत हैप्पी होना शुरू होता है। करके देखिए एक बार, अभी कहिए कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग रिलैक्स, मैं अभी भी नींद से उठा हूँ, बहुत फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो आपके थॉट्स को तुरंत कैच करता है, इतना तुरंत कैच करता है और तुरंत उसका शरीर के ऊपर रिएक्शन भी शुरू कर देता है। अभी आप बोलो कि मुझको नींद आ रही है, 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 आपको लेजी तुरंत महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो यही शास्त्र है, दिमाग का शास्त्र है, और कुछ नहीं है, बस दिमाग है और उसके अंदर की सोच है। तो हमको क्या करना है, सोच को ही बदल दो, सोच को बदलो बीमारियां ठीक हो जाएगी, सोच को बदलो प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, सोच को बदलोगे मूड फ्रेश होना शुरू हो जाएगा। तो बस सोच का नतीजा है, सोच को चेंज करो और करके देखो। धन्यवाद।